मुंबई इंडियंस में पोलार्ड बेहद खतरनाक खिलाड़ी है और ऐसा ही खतरनाक रूप देखने को मिला 10वें मुकाबले में जब आरसीबी के खिलाफ उनका बल्ला जंपा पर खतरनाक तरीके से गरजा। उनके एक ओवर में पोलार्ड ने 27 रन ठोक दिए। पहली गेंद पर छन्नाटेदार चौका। इस चौके को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि फील्डर हिला भी नहीं था कि गेंद चौके की बाउंड्री पार कर चुकी थी। अगली गेंद पर छक्का इतना लंबा था कि हवा में ही गेंद तारा दिखने लगी थी। उसके अगली गेंद जो तीसरी गेंद थी जंपा की, उम्मीद थी जंपा को कि वो चकमा दे देंगे, लेकिन चकमा तो पोलार्ड को देना था और एक और लंबा छक्का। इस छक्के को देखते ही विराट का मुंह उतर गया, उनके चेहरे पर शिकन दिखने लगी, क्योंकि बल्ला पोलार्ड का जबरदस्त तरीके से घूम रहा था। चौथी गेंद पर छन्नाटेदार शॉट तो लगाया था, लेकिन गेंद पर दो ही रन आ पाए। पांचवी गेंद पर फिर छक्का पोलार्ड ने जड़ दिया और उसके अगली गेंद पर तीन रन के साथ ही इस ओवर में 27 रन छटक लिए। यानी छह गेंदों पर पोलार्ड के 27 रन ने चंपा को सोचने पर मजबूर कर दिया। विराट कोहली हैरान रह गए, क्योंकि सामने 202 रनों का लक्ष्य था। इसे कहते हैं पोलार्ड की बल्लेबाजी। पोलार्ड को हल्के में लेना बेहद मुश्किल हो सकता है और ये पोलार्ड ने खुद दिखाया भी कि वो कितनी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। आपको पोलार्ड की बल्लेबाजी कैसी लगी अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवांस स्पोर्ट्स के साथ।